कांग्रेसी वो होता है जो कमजोर की मदद करता है। जब कांग्रेसी लड़ता है तो वो गुस्से से नहीं लड़ता है, वो प्यार से लड़ता है, वो दिल से लड़ता है। गुस्से से दूसरे लोग लड़ते हैं, हम जनता के लिए लड़ते हैं, कमजोर लोगों के लिए लड़ते हैं, मगर प्यार से लड़ते हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली के मंगोलपुरी में अपनी पहली चुनावी सभा में जनता से संवाद शैली में ये जाहिर करने की कोशिश की कि उनकी पार्टी आम आदमी की बात करती है और आगे भी इसके लिए लड़ाई जारी रखेगी। उन्होंने विपक्षी भाजपा के एनडीए काल में विकास के दावों को दरकिनार करते हुए कहा कि विकास उनकी प्राथमिकता है, लेकिन उनके लिए जरूरी है कि सबको साथ लेकर चला जाए। राजनीतिक ढांचे को, सिस्टम को खोलना चाहते हैं, इसलिए हम अधिकार की बात करते हैं, इसलिए हम भोजन का अधिकार देते हैं, रोजगार का अधिकार देते हैं। हमने 3 गुना ज्यादा सड़कें बनाई, 3 गुना। तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करते हैं, हम एयरपोर्ट बनाते हैं, हम ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, हम शिक्षा का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, हम ज्यादा रोड बनाते हैं, मगर हम आपको नहीं भूलना चाहते। मंगोलपुरी के मैदान में समर्थकों का भारी हुजूम दिखा। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने दिल्ली को विकास के पथ पर और आगे ले जाने का वादा किया, लेकिन लगे हाथ उन्होंने राहुल गांधी से मांग की कि अगर दिल्ली सरकार की अलग अलग एजेंसियों को एक करके इसकी जिम्मेदारी एक संस्था को सौंप दी जाए तो विकास कई गुना बढ़ सकता है। दिल्ली को एक सिंगल कमांड, एक लोग, एक शख्सियत, एक सरकार चलाए तो हमारा जो बढ़ोतरी का चरण है वो दुगने और तिगने हो जाएंगे। दिल्ली के मंगोलपुरी में अपनी पहली चुनावी सभा में राहुल गांधी ने एक बार फिर आम आदमी का नारा बुलंद किया। भारी भीड़ के बीच उन्होंने आम आदमी के साथ वादा भी किया, तालियां भी बजी, नारे भी लगे। अब देखना यह है कि आम आदमी अब के फिर कांग्रेस का हाथ पकड़ता है या फिर नहीं। अजय विक्रम सिंह, DD News, दिल्ली।